हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको थोड़े से भी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन रैशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते हुए, दैट मीन्स पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन करते हैं तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो सेम है सब में। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो पहले रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, फिर न्यूमरेटर का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा पहले हमें नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा होगा, वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो -1, -2, -3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3 है। उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है, क्योंकि -1 जीरो के ज्यादा पास में होगा एज कंपेयर टू -3। -3 दूर हो जाएगा तो ये ऑर्डर हुआ। तो दैट मीन्स नंबर्स का भी हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, -3/5, फिर -2/5, फिर -1/5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, सभी नेगेटिव नंबर है और डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ 9 है, अगर इन दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 3 और इसको भी मल्टीप्लाई 3 करते हैं। तो माइनस का 3/9, ये हुआ माइनस का 2/9 और ये हुआ माइनस का 12/9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर -3, -2 और -12। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस का 12, उससे बड़ा माइनस का 3, फिर उससे बड़ा माइनस का 2। जो सबसे लेफ्ट में होगा नंबर लाइन पे वो सबसे छोटा होगा। तो दैट मीन्स कौन सा नंबर है यहाँ पे, माइनस का 12/9 सबसे छोटा, फिर उसके बाद माइनस का 3 कहाँ पर है, माइनस का 3/9, फिर माइनस का 2/9। तो दैट मीन्स ये क्या नंबर है, 12/9 क्या था हमारा, माइनस का 4/3, उससे बड़ा क्या होगा, माइनस का 3/9 क्या है, माइनस का 1/3, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 2/9। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आते हैं। -3/7, -3/2 एंड -3/4। अब यहाँ न्यूमरेटर सेम है, निगेटिव है, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करिए। तो इन सबका एलसीएम क्या होगा, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 28। ये भी 2 का मल्टीपल भी है और 4 का भी, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 से, 28 आ गया, और इसको 14 से, तो ये हो गया माइनस का 12/28, माइनस का 42/28, और ये हुआ माइनस का 21/28। एलसीएम हमने ले लिया इन तीनों का, 7, 2, 4 का। और एलसीएम आप कैसे लेते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो देखिए इन तीनों नंबर्स को लिखा एलसीएम लेने के लिए, 2 से करा, 7 ऐसे ही लिख लिया, 2 1 2, 2 2 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 × 7 × 2 दैट इज 28, मतलब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या हो गया, 28। तो हमें डिनोमिनेटर 28 बनाना है, उसके लिए 4 को 7 से करा, 2 को 14 से करा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया डिनोमिनेटर हमने 28 क्यों लिया है और कैसे लिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। निगेटिव है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, वैसे तो 12 दिख रहा है लेकिन निगेटिव है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा, दैट मीन्स -42 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -21 एंड देन -12। तो
तो इस अकॉर्डिंग नंबर कौन सा हुआ, -42/28, फिर उसके बाद -21/28 एंड देन -12/28। तो -42/28 क्या नंबर था, किससे आया था ये 42/28, -3/2 से आया था, तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट 21/28 ये रहा, ये किससे आया था -3/4 से, और नेक्स्ट 12/28 किससे ड्राइव हुआ था 3/7 से, -3/7। दैट मीन्स इन सब में सबसे छोटा -3/2, उससे बड़ा -3/4 और सबसे बड़ा -3/7।